नमस्कार, नवप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आप भी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है, क्योंकि बिहार में एक बार फिर से 2500 से अधिक सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली होने वाली है। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। ये बहाली भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की तरफ से अनुबंध पर लिया जाएगा। इसको लेकर भू अभिलेख और परिमाप निदेशक जय सिंह ने सारी जानकारी साझा कर दी है। साथ ही बताया है कि पहले चरण में 4628 कर्मियों की बहाली ली गई है, हालांकि स्वीकृत पद 6875 और हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा है कि कर्मियों की कमी से दूसरे चरण के सर्वेक्षण का काम शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए नई बहाली का निर्णय लिया गया है। हाल ही में 409 राजस्व कर्मियों को अंचल और राजस्व कार्यालय में तैनात किया गया है। विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के चयन से सर्वेक्षण के कामों में और तेजी आएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भूमि सर्वेक्षण के लिए बिहार सरकार ने संविदा आधारित 6875 पद सृजित किए थे। इनमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 275, कानूनगो के 550, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 4950 और लिपिक के 550 पद शामिल है। इसके अतिरिक्त 550 संविदा अमीन की रिक्तियां भी साल 2019 में निकाली गई थी। बहाली के बाद जून 2020 में सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की फील्ड तैनाती कर दी गई है। अधिकारियों की माने तो कई कर्मियों की सेवा को अन्य वजहों से खत्म ही किया गया है। फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी पाने वाले करीब 200 अमीनों को पिछले महीने ही सेवा से बर्खास्त करने का काम किया गया है। बिहार में विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 275 पद के विरुद्ध 211, कानूनगो के 550 पद के विरुद्ध 336, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 4950 पद के विरुद्ध 3264, लिपिक के 550 के विरुद्ध 340 और अमीन के 550 पद के विरुद्ध 477 कर्मचारी अभी कार्यरत है। जल्द ही खाली पदों के लिए विज्ञापन निकालकर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार के 20 जिलों में अभी भूमि सर्वे का काम चल रहा है। इस साल यानी 2022 में बाकी 18 जिलों में भी सर्वे का काम शुरू किया जाना है, लेकिन कर्मियों की कमी की वजह से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।